अरमान मलिक, बिग बॉस की क्रिएटिव टीम, चैनल के सीईओ, हर किसी पर गिर गई है कानूनी गाज। जी हाँ, रियलिटी शो बिग बॉस को बैन करने की बातें हो रही हैं। असल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फंसालकर से मुलाकात की और शो के टेलीकास्ट होने पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। मनीषा कायंदे के मुताबिक 18 जुलाई को प्रसारित शो के एपिसोड में बिग बॉस के बेडरूम में अरमान मलिक और कृतिका मलिक के प्राइवेट मूवमेंट दिखाए गए। उन्होंने कहा कि इस जोड़े ने मानवीय संबंधों और सामाजिक मानदंडों की सभी सीमाओं को लांघ दिया है। शिवसेना की प्रवक्ता ने कहा कि यह शो बच्चे भी देखते हैं, इसका उन पर भी असर पड़ता है। कायंदे ने कहा कि शो को फौरन बंद किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने शो की निर्माताओं को प्रसारित करने वाली कंपनी के सीईओ, इन सभी के खिलाफ साइबर अपराध कानूनों के तहत मामला दर्ज करने की भी मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि बिग बॉस रियलिटी शो है, इसकी शूटिंग चल रही है और इससे बहुत अश्लीलता हो रही है। यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स इसमें भाग ले रहे हैं और अब वो सभी हदों को पार कर रहे हैं। दो शादियों को प्रमोट किया जा रहा है, दूसरी बीवी के साथ कैमरा पर बोल्डनेस हो रही है। प्रवक्ता ने मुंबई पुलिस से तुरंत कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। यहां तक कि शो के कंटेस्टेंट्स और शो के सीईओ तक को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। जी हां, अब अरमान मलिक को शो के अंदर लेकर आना, या फिर यूं कहें कि दो बीवियों वाले आदमी को शो के अंदर लेकर आना, मेकर्स को पड़ रहा है बेहद भारी। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।